हेलो फ्रेंड्स, आपका ट्रिपल सी के फरवरी वालों का जो है सर्टिफिकेट जो है अनाउंस हो गया है। जी हाँ, सर्टिफिकेट आ गया है। वैसे तो आपका जो है सर्टिफिकेट जो है 25 तारीख तक आना था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब नाइलिट की तरफ से ही जो है पहले ही 10 दिन पहले ही या 8 दिन पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये तो उनका लेना देना है, उनका अपना फंडा है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है अपना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कैसे करते हैं, आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए। आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना डाउनलोड सर्टिफिकेट का, आप सिंपली करेंगे यहाँ पर क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा वो दिखाई देगा रेगुलर सर्टिफिकेट का, आप कर देंगे यहाँ पर क्लिक। फिर ऑप्शन दिखाई देगा कोर्स 4 का, तो यहाँ से जो भी कोर्स है वो एक सेलेक्ट कर लेंगे। आपका कोर्स क्या है, ट्रिपल सी है ना, तो यहाँ से ये ट्रिपल सी सेलेक्ट कर लिया। अब आए ठीक है, कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लिया और जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी में है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है कोर्स के नीचे, तो आपकी में जो है हो सकता है ऑप्शन मिले ईयर का, ईयर का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे जो है आपको 2020 आएगा लिखा हुआ, वहाँ से 2020 जो है सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके नीचे जो है मंथ आएगा, तो वहाँ से जो है आप फरवरी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इस तरह आप सेलेक्ट कर लेना, तब जाकर आएगा ये गाइस रजिस्ट्रेशन नंबर। पता नहीं मेरी में क्यों शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली चलिए बता देते हैं, तो आपको फिर आगे से प्रोसीजर क्या करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है जिस फॉर्मेट में दी गई है इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करनी है। जैसे कि दी गई है दो बार डेट, मंथ और ईयर, मैं बता देती हूँ किस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से करनी होगी आपको, जैसे दे रखी है ना स्लेश लगाकर, तो आपको भी ऐसी स्लेश लगाना है, दो बार मंथ करनी है। ठीक है, और ये जो है ईयर आपको सेलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, जो भी आपका ईयर होगा। ठीक है, इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके में एक ऑप्शन दिखाई देगा कैप्चा इमेज का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी के मोबाइल में अलग अलग कैप्चा इमेज होता है, आप इसको सिंपली कर देंगे यहाँ पर एंटर। देखिए इसी में करना है, जैसे कैप्चा इमेज होता है छोटा बड़ा जैसे भी दिया गया है, आपको इसी तरह एंटर कर देना है। बस इतना करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा योर डिजिट मोबाइल नंबर और एक आएगा गेट वेरिफिकेशन कोड। तो आप जो है वेरिफिकेशन कोड जो है ईमेल से पाना चाहते हैं या मोबाइल से, कहने का मीन ये है अगर आप यहाँ पे जो है अपना मोबाइल का नंबर डालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया तो आपके जो है मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, और यदि आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे जैसे कि अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए तो आपको जो है फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होगी, फिर आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा। तो ये आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। मैं मोबाइल से कर रही हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है आपका 10 डिजिट का जो है आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। बस जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे नीचे एक ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन कोड का, आपके ही मोबाइल पे वो ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। एक और बात, अगर फिर भी आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, मीन्स उसमें जो है ये होता है जब आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है डिजिटल की, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं कि आप जो है डिजिटल कैसे कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को। ठीक है, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।